गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे जैसे हम लोग आप लोगों को चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हैं, वैसे वैसे आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। आप लोग होमवर्क भी कर रहे होंगे, आप लोग अपने चैप्टरों को लर्न भी कर रहे होंगे। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है कि 15 मई 2021 के बाद आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी को चालू कर दीजिएगा। इसके बाद कभी भी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हो सकती है। तो डेफिनेट है कि क्लास एट्थ की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, क्लास एट्थ की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो डेफिनेट लगेगी। आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग देना है, इस बात को कतई दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगी। तो इस बात को मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी खुले शब्दों में बोल दिया था। तो अभी भी जो बच्चा अवेयर नहीं है, या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई पढ़ नहीं रहा है, या ये सोच के बैठा हो, या कोई आपको बता रहा हो कि इस बार पढ़ाई मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की साल बिगड़ेगी और कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, फेल का सिस्टम भी कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं पढ़ोगे, सप्लीमेंट्री फेल परसेंटेज सिस्टम सब इस बार कर दिया गया है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रति आप लोग अवेयर होइए, सीरियस होइए, यदि नहीं पढ़ाई चालू कर रखी है आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हमारा प्रीवियस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक को कंप्लीट करते थे, उसमें मैंने इसको अनकम्प्लीट छोड़ दिया था। आइए, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है ये, फिर भी कोशिश करिए समझने की। जैसे ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी मैं इस टॉपिक को दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को, यदि आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह रह रहे हैं तो। इसमें आइए पेज नंबर 255 खोलिएगा। पेज नंबर 255 खोलिएगा। ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डीकम्पोज ऑन इट्स ओवन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज H+ आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयंस। एक बात बताऊं मैं आपको, वाटर का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है? H2O। आपको मैंने काफी बार लर्न करा दिया है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। अब तुम्हारे सामने एक परेशानी होगी, सर आयंस क्या होते हैं? अब आयंस के बारे में खैर अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये क्लास 9th का टॉपिक है। जब नेक्स्ट ईयर आप लोग क्लास 9th में आओगे तो मेरे द्वारा ही आपको समझाया जाएगा। आई होप यू आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा क्या ये टॉपिक लेवल का है, तो आप लोग कोशिश करिए समझने की इसको दिमाग पे। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ना, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, हमने करंट दिया 6 वोल्ट का। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, मैंने ऐसा लिया था कंटेनर, इसमें सॉल्यूशन भरा था और मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे इस तरीके से, और इसको सेल से मैंने कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही मैंने सेल से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, ये जो पानी है H2O, ये अपने आयंस में टूटता है। और आयंस में कैसे टूटेगा? एक तो H+ और एक OH-, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन। However, their number remains same and hence the water remains electrical neutral. When electric current passes through the hydrogen ions are attracted towards negatively charged terminal. ये जो H plus आयन है ना, ये क्या पॉजिटिव है, तो इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, सेल में दो पार्ट होते हैं, आपको मैंने क्लास 7th में बता दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये H plus आयन वहां पर जाके कलेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उल्टे पे अपोजिट पर जाके कलेक्ट होगा, सेम पर जाकर नहीं, कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर ही जाएगा। एंड हियर देखे इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन आयन्स, द हाइड्रोजन एटम सब्सिक्वेंटली ज्वाइन टू फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कन्वर्सली ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाइड्रोक्सिल आयन OH- आर अट्रैक्टेड टू आर्स पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। और जो OH- है ना, नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव पर जाके कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, हेयर दे लॉस इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्रॉम न्यूट्रल हाइड्रोक्सिल आयन्स विच यूनिट फ्रॉम ऑक्सीजन गैस, और जाकर वो ऑक्सीजन गैस बनाएगा। इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। काफ़ी था डिफिकल्ट टॉपिक था एक बार, और इसके बाद आपको कुछ डेफिनेशन टर्म्स वगैरह, इलेक्ट्रोड वगैरह, कुछ एनोड कैथोड, ये कुछ डेफिनेशंस दी गई है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो और इससे पहले के वीडियो को आप लोग कंबाइंड करके एक साथ देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप लोग स्कूल आइए,
डाउट पूछिए, नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज जब प्रॉपर चालू होगी तो मैं इस टॉपिक को ढंग से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात और, स्टार्टिंग में जो भी मैंने आज कुछ बोला है कि आप लोगों की एग्जामिनेशन लगेगी, कन्फर्म है, डेफिनेट है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को फास्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियोज को भी देखिए और लाइक भी करने की कोशिश करिए यदि आपको अच्छा लगे तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।